गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वो लोगों को देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ अज्ञानी लोग बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। ये देखकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि इन्हें मारने दो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ ये लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण नहीं कह पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब लेन देन से मुक्ति मिल गई है, क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि इन लोगों को बताओ पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयाँ लेकर आए थे और आपने ये कहकर लौटा दिया कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी लेकिन आप ये अपशब्द गांव में ना बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। कथा का सार ये है कि साक्षी भाव ही सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है।